हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट जॉन। सो गाइस, IBPS RRB क्लर्क कंप्लीट हो चुकी है। ऐसे में बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि सर जो इसका रिजल्ट है वो कब तक आएगा और कितने नंबर वालों को मेन एग्जामिनेशन की तैयारी करनी चाहिए, जो नॉर्मलाइजेशन है उसका इम्पैक्ट क्या रहेगा प्रीलिम्स एग्जाम पर, सब कुछ यहाँ पर जानना है। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं रिजल्ट डेट के बारे में। गाइस, मैं आपको बता दूँ जो इसका मेन एग्जामिनेशन है क्लर्क का, RRB क्लर्क का, वो 3 अक्टूबर यहाँ पर शेड्यूल्ड करा गया है। अभी तक देखिए तो शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही एग्जाम हुआ है जो कि आपका यहाँ पर कैलेंडर में शेड्यूल्ड था, ठीक है। अगर हम बात करें रिजल्ट डेट की, तो रिजल्ट हमेशा आपका मेन एग्जामिनेशन से 20 दिन पहले डिक्लेयर होता है, जो कि आपका IBPS का रूल रहा है। तो अगर हम बात करें 20 दिन पहले, तो 20 दिन पहले आपका अगर हम देखें तो आपका जो रिजल्ट है वो 10 सितंबर से लेकर 15 सितंबर के बीच यहाँ पर रिलीज करा जाएगा, ठीक है। तो ऐसे में आपकी प्रिपरेशन अभी से ही शुरू हो जानी चाहिए, बिकॉज आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। आपको एग्जाम डेट पता है तो आप रिजल्ट का वेट मत करो, आप अभी से ही अपना तैयारी शुरू करो, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन के बारे में, तो गाइज यहाँ पर आपको नॉर्मलाइजेशन का फायदा ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज लेवल ऑफ एग्जाम जो रहा है वो स्टेबल रहा है, यानी कि ज़्यादा अप एंड डाउन नहीं देखने को मिला है। अगर ऐसा होता कि किसी शिफ्ट में ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आता, किसी में बहुत ईजी क्वेश्चन आ जाता, तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा होता है। अब यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा बहुत कम मिलेगा, बिकॉज जो आपका लेवल ऑफ एग्जाम रहा है वो बिल्कुल स्टेबल रहा है। अभी तक इजी टू मॉडरेट यहाँ पर एग्जाम आया, बिल्कुल उसी लेवल पे अभी एग्जाम आपका चल रहा है, ठीक है। तो अभी आपको यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन के बारे में ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आपका लेवल ऑफ एग्जाम थोड़ा अप एंड डाउन रहता तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का इम्पैक्ट देखने को मिलता। गाइज, बात करें कितने नंबर वाले को यहाँ पर मेन एग्जामिनेशन की तैयारी करनी चाहिए, तो गाइज अगर आपका 65 से लेकर 75 के अराउंड है अच्छे खासे एक्यूरेसी के साथ, तो बिल्कुल आपको मेन एग्जामिनेशन की तैयारी में अभी से ही लग जाना चाहिए। बहुत ही जल्द आपके लिए स्टेट वाइज कट ऑफ लेकर आने वाला हूँ कि किस स्टेट में कितनी कट ऑफ रहेगी, सब कुछ वहाँ पर क्लियर करूँगा। तो उस वीडियो को मिस मत करना, उस वीडियो को जरूर से देखना गाइज। तो ये है आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर जरूर से कर देना अपने दोस्तों में। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।